class. This is the third lecture video on unit 1. In previous video, we have seen the introduction and some of the static characteristics. Next, in this video, we see other static characteristics. Okay, these are static characteristics. In last video, I have reproducibility. So, reproducibility जो है, वहाँ पे हम क्या बोले थे? रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में सेंस एक ही चीज करता है कि बार बार कोई चीज का आना, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑल पैरामीटर्स आर चेंजेस, चेंजिंग पैरामीटर इफ अ डिवाइस रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, इफ अ डिवाइस गिव्स सेम रीडिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, देन दैट डिफाइंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन द सेम सिचुएशन we are taking the reading and it repeat its reading, then it is called repeatability. ठीक है, जैसे कि बार बार एक ही रीडिंग को, जैसे कि जो दुबई का टेस्ट है इसको जोड़े हुए मास्टर कैलिब्रेटर से, मास्टर कैलिब्रेटर से, अगर मास्टर कैलिब्रेटर से अगर हम लोग 5 एम्पियर इस पे लाए और दुबई का टेस्ट इसको 4.8 एम्पियर रीड किया एंड फिर इससे एक रीडिंग लेते हैं, फिर उससे रीडिंग लिया, फिर 4.7 रीड किया, 4.8 रीड किया, 4.8 रीड किया। ये जो डिवाइस सेम कंडीशन पे बार बार जो रिपीट कर रहा है, जो बार बार रीडिंग कर रहा है, उसको कहेंगे रिपीटेबिलिटी। बट अगर यही रीडिंग हम जो सुबह में लें फिर शाम में, यानी कि कंडीशन चेंज हुआ है। दूसरा, ये मास्टर कैलिब्रेटर को चेंज करके देखें, ये भी एक कंडीशन चेंज हुआ। तो विद द चेंजिंग सिचुएशंस, सुबह में हम रीडिंग लिए, शाम में किसी और को बोल दिए रीडिंग लेने के लिए, तो पूरा का पूरा एक मतलब कि जो साइंटिस्ट जाके जो रीडिंग लिया वो भी चेंज हो गया। तो कंडीशन अगर चेंज कर दे, कंडीशन चेंज करने से जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी में, और सेम कंडीशन पे बार बार जाके देखेंगे तो वो आएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यही एक चेंजेस है रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन क्या डिफाइन करता है? स्मॉलेस्ट आउटपुट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि उसका जो LSB, डिजिटल में इसको LSB हम लोग बोलते हैं, सिग्निफिकेंट बिट। जैसे कि एक स्केल है, ये 0 है, ये 1 है, अगर सिर्फ इसमें एक डिवीजन है तो दिस स्केल कैन बी अप टू 0.5 ओनली, 0.5 से यानी कि जो लोएस्ट सबसे जो सबसे स्मॉलेस्ट आउटपुट को डिटेक्ट कर सकता है 0.5 कर सकता है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट यहां डिवीजन है। अब किसी चीज को अगर इसको हम 10 भाग में डिवीजन कर दें तो अब इसका रिजोल्यूशन जो हो गया वो 0.1 हो गया, यानी इसको बोलेंगे जैसे जैसे रिजोल्यूशन, इसका रिजोल्यूशन हाई हो गया, यानी कि जितना कम से कम वैल्यू को वो स्केल रीड कर सकता है यानी उसका उतना ही ज्यादा रिजोल्यूशन हाई है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन को ये रीडिंग जब प्रीवियस केस में रीडिंग कैसे आएगा, 4 आएगा, 4.5 आएगा, 6 आएगा, 6.0, 6.5 ऐसा कुछ रीडिंग आएगा, लेकिन इस केस में रीडिंग कैसे आएगा, 4.1 4.7। अब देखिए ये ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग बताएगा 4.1 4.7, इस केस में 4.1 कोई 4 पढ़ देगा, अब 4.7 को या तो 4.5 पढ़ेगा या 4.5 पढ़ देगा, इस केस में ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगा। ये रिजोल्यूशन, ये उसका डिवाइस का रिजोल्यूशन तय करता है, तो डिवाइस का रिजोल्यूशन पहले से डिफाइन करता है, ये एनालॉग सिस्टम रहेगा तो ऐसे, और अगर डिजिटल सिस्टम रहेगा तो ऐसा शो करेगा 5.01। इसका रिजोल्यूशन क्या हो गया, आपको टू सिग्निफिकेंट बिट, अगर कोई का डिवाइस का ऐसा रहेगा 5.001, ये आपको 3 सिग्निफिकेंट बिट तक रिजोल्यूशन देगा डिजिटल में, और ये एनालॉग में। तो ये हो गया रिजोल्यूशन डिवाइस का। नेक्स्ट आता है रेंज और स्पैन। तो रेंज यानी कि कहां से कहां तक, तो रेंज जब हम लोग बोलेंगे यानी कि एक अगर आम मीटर है तो आम मीटर
बहुत तरीके का होता है। मान लीजिए ये एम्पीटर 0 टू 10 एम्पीयर तक नापेगा, वही अगर और हाई में जल जाइए तो ये एम्पीटर मान लीजिए जो ये 10 से स्टार्ट हो, 10 से शुरू हो, इसका मिनिमम रेंज हो गया 10, मैक्सिमम 100 एम्पीयर, ये एम्पीटर का, और ये एम्पीटर का मिनिमम 0 10। तो ये जो मिनिमम से मैक्सिमम जो हम लोग इसका क्वांटिटी जो मेजर करता है इसी को हम लोग कहते हैं रेंज और या स्पैन, रेंज और स्पैन यानी कि कहां से कहां तक। रेंज मैथ्स में भी था, रेंज 0 टू इंफिनिटी ऐसा था ना मैथ्स मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से यहां भी रेंज है कहां से कहां तक, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं रेंज। रेंज के बाद नेक्स्ट आता है डेड टाइम। तो डेड टाइम जो है ये नाम क्या कर रहा है, डेड टाइम, डेड जोन, मतलब डेड क्या मरा हुआ है, मतलब वो टाइम जहां तक वो मरा रहा है। कभी कभी पुराना बल्कि अगर आपको देखने को मिल जाए एमीटर या वोल्ट मीटर पुराना एकदम पुराना बल्कि उन लोग का ऐसा होता है एकदम ऐसा रहेगा, यहाँ पे स्केल रहेगा, यहाँ पे कनेक्शन करने वाला रहेगा, एकदम वुडन बोर्ड में, वुडन बोर्ड में ये फिक्स रहेगा, ये वोल्ट मीटर या एमीटर। ऐसा कभी अगर आप लोग को प्रैक्टिस दिख जाए, आज तो डिजिटल का जमाना है, हर चीज छोटा मिनिएचर हो गया है, तो वैसा दिख जाए वहां देखिएगा कि आप इसको मास्टर कैलकुलेटर से इसको कनेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे अगर 3 एम्पीयर जनरेट की या 3 वोल्ट या 30 वोल्ट जनरेट की, वोल्ट मीटर आता वोल्ट में, एमीटर आता एम्पीयर में जनरेट, अगर जनरेट किया जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो स्केल है थोड़ा सा टाइम 1 से 2 सेकंड टाइम लेगा उसका नीडल हिलने में, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो वो जो टाइम जो नीडल हिलने में लिया यानी थोड़ा देर के लिए वो डेड की तरह एक्ट किया, इसको कहते हैं डेड टाइम, यानी कि जिस समय तक वो रिस्पॉन्ड नहीं किया जब आपने इनपुट दे दिया तो उसका जो आउटपुट तुरंत आना चाहिए था, बट उसने 1 सेकंड आधा सेकंड जो टाइम दिया रिस्पॉन्ड करने में, इस टाइम को कहते हैं डेड टाइम। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है इन द आइडियल कंडीशन व्हाट वी रिक्वायर द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव 0 डेड टाइम, जैसे हम दिए वैसे वो आउटपुट आ जाए, ठीक है, यानी डेड टाइम हमारा कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है डेड जोन, यानी कि एक ऐसा जोन जिसमें कि डिवाइस डेड की तरह काम करे। तो इस जोन को कैसे देखते हैं, आपने वैल्यू दिया 1 दीजिएगा, 2 दीजिएगा, 3 दीजिएगा, 4 दीजिएगा, अब आप देखिएगा व्हेन यू प्रोवाइड मोर देन 5 देन दिस इंस्ट्रूमेंट रिएक्ट, अब वो मेजर करेगा। जैसे कि आपको फर्स्ट एक वीडियो में एग्जांपल भी दिए थे कि एक बहुत बड़ा सब्जी मार्केट है, वहाँ पे 100 केजी टन का टन, जैसे एक मन 40 केजी मन टन, ये सब हम लोग का सिस्टम था, मन वाला सिस्टम 40 केजी, केजी भले उन लोग का रहे मन हम लोग का चला रहा था। तो एक मन दो मन जहाँ पे उस तराजू पे जो तौलाता है उसके आप 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम रखिएगा तो वो तराजू रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो उसका क्या है डेड जोन, यानी कि 100 ग्राम 1 किलो भी रखिएगा तो वो रिएक्ट नहीं किया, 2 किलो रखिए रिएक्ट नहीं किया, अब 100 किलो जो नापेगा वो 5 किलो रखिएगा तब जाके उसका तराजू का हिलेगा। इसके पीछे ये सब क्या कहलाएगा, ऐसा डेड जोन, इस जोन में वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन से दैट अ डिवाइस इंस्ट्रूमेंट शुड हैव 0 should have 0 dead zone. The dead zone is एकदम होना ही नहीं चाहिए, जैसे दे वो react करे, so dead zone must be 0, dead zone must be 0, ये हमारा ideal condition है। तो ये सब है static characteristic, static characteristic with the time ये बहुत जल्दी change नहीं करता है। Next हम लोग पढ़ेंगे dynamic characteristic, और dynamic characteristic के बाद हम लोग जानेंगे एरर, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर का क्लासिफिकेशन और फिर
एरर का जो कैलकुलेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में एरर का कैलकुलेशन सब कुछ रहता ही रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वो सारा जितना भी कंफ्यूजन रहेगा एरर का हम तो दूर कर लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए एरर जो है वो स्कोरिंग हो जाए, ऐसा कर लेना है। ठीक है, चलिए ये आज का वीडियो थर्ड वीडियो खत्म होता है, और फोर्थ वीडियो में हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करेंगे।